नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कैसे पाक मीडिया निराश है उनकी अपनी पाकिस्तान की इकोनॉमी को जब इंडिया के इकोनॉमी के साथ तुलना करते हैं। चलिए वीडियो को देखते हैं, उससे पहले सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। पाकिस्तान और भारत, फिर 1971 में बांग्लादेश बना। पाकिस्तान में हम आज भी माजी में जी रहे हैं कि हमारी एयरलाइन 70 की दिहाई में अच्छी थी, स्टील मिल बेहतरीन थी, मईशत तरक्की कर रही थी, 60 की दिहाई में इंडस्ट्री बेहतरीन थी। क्या बाकी ममालिक का हाल भी ऐसा ही है कि बाकी ममालिक भी माजी में जी रहे हैं कि हम माजी में अच्छे थे, हाल में बुरे हैं, या फिर उन्होंने अपने हाल को बेहतर किया? भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का मवाजना करते हैं। हम आपको पाकिस्तान, भारत और चीन का मवाजना दिखा चुके हैं। चीन तो बहुत आगे निकल गया, आइए बांग्लादेश को शामिल करते हैं। 1988 में भारतीय GDP 297 अरब डॉलर्स थी और पाकिस्तानी GDP यानी मईशत का साइज 40 अरब डॉलर्स था, यानी भारत की मईशत पाकिस्तान से 7 गुना बड़ी थी, मगर भारत की आबादी भी पाकिस्तान से 7 गुना ज्यादा थी, जबकि बांग्लादेश की मईशत महज 26 अरब डॉलर्स थी और आबादी तकरीबन पाकिस्तान के बराबर थी, मगर पाकिस्तान की फी का आमदनी 380 डॉलर्स थी, भारत की 350 और बांग्लादेश की 270 डॉलर्स थी, यानी पाकिस्तान की फी का आमदनी दोनों ममालिक से बेहतर थी। 1998 में भारतीय मईशत का हजम 410 अरब डॉलर्स हो गया, बांग्लादेश की मईशत 50 अरब डॉलर्स पर पहुंच गई, जबकि पाकिस्तानी GDP यानी मईशत का हजम 60 अरब डॉलर्स पर हो गया, यानी 10 बरस में पाकिस्तान और भारत की मईशत में फर्क बरकरार रहा, बांग्लादेश की मईशत पीछे ही रही। फिर परवेज मुशर्रफ ने मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट दिया, फिर 2003 में पाकिस्तानी मईशत का हजम 83 अरब डॉलर्स और भारतीय मईशत का हजम 500 अरब डॉलर्स तक पहुंच गया और बांग्लादेश की मईशत 60 अरब डॉलर्स की हो गई। 2 साल बाद यानी 2005 में भारतीय मईशत का हजम 800 डॉलर्स हो गया, पाकिस्तानी मईशत 100 अरब डॉलर्स तक पहुंच सकी, बांग्लादेशी मईशत 70 अरब डॉलर्स तक पहुंची, भारतीय मईशत पाकिस्तान से 8 गुना बड़ी हो गई, और फिर 2005 में पहली दफा भारत ने पाकिस्तान को फीका सामग्री में भी पीछे छोड़ दिया। और दिलचस्प बात यह है कि आबादी में इजाफे में पाकिस्तान बांग्लादेश को पीछे छोड़ता जा रहा था। 1971 में बांग्लादेश की आबादी थी 6.5 करोड़, पाकिस्तान की आबादी थी 6 करोड़, यानी बांग्लादेश से 50 लाख कम। 2005 में बांग्लादेश की आबादी हो गई 14 करोड़, पाकिस्तान की हो गई 16 करोड़, यानी 2 करोड़ ज्यादा हो गई। फिर 2 साल बाद यानी 2007 में भारतीय मईशत 1200 अरब डॉलर्स तक पहुंच गई, जबकि पाकिस्तानी मईशत का हजम 150 अरब डॉलर्स हो गया, जबकि बांग्लादेश का मुआशी साइज 80 अरब डॉलर्स रहा और भारत की फीका सामग्री 1000 डॉलर्स तक पहुंच गई। ये वो वक्त था जब भारत और बांग्लादेश में मईशत की मजबूत बुनियादें रखी गईं, जबकि पाकिस्तान का दरामदाद पर इनहिसार बढ़ रहा था। हम आपको दरामदाद और बरामदाद के हवाले से भी अदादोशुमार दिखाएंगे, मगर अभी मजीद बात करेंगे पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश की मईशत के मवाजने की। भारतीय मईशत में मजीद तेजी आई, 2010 में भारतीय मईशत 1300 अरब डॉलर्स तक पहुंच गई, जबकि पाकिस्तानी मईशत 177 अरब डॉलर्स तक पहुंच सकी, बांग्लादेशी मईशत 111 अरब डॉलर्स तक पहुंच चुकी। फिर 2012 में पाकिस्तानी मईशत 225 अरब डॉलर्स की हो गई, मगर भारतीय मईशत 1800 अरब डॉलर्स तक पहुंच गई, बांग्लादेशी मईशत 133 अरब डॉलर्स तक पहुंच गई। 2014 में भारतीय मईशत का हुजम 2000 अरब डॉलर से भी आगे बढ़ गया, जबकि पाकिस्तानी मईशत 250 अरब डॉलर्स तक पहुंच सकी और बांग्लादेशी मईशत 175 अरब डॉलर्स की हो गई। और 2018 में भारतीय मईशत का हुजम पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा हो गया, भारतीय मईशत 2700 अरब डॉलर्स तक पहुंच गई और हम 314 अरब डॉलर्स तक पहुंचे, बांग्लादेश की मईशत 250 यानी 275 अरब डॉलर्स की हो गई। और फिर पिछले 2 सालों में हमने तरक्की नहीं की, रुपया गिरने से डॉलर्स में हम और पीछे चले गए, पाकिस्तान की मईशत 314 अरब डॉलर्स से 270 अरब डॉलर्स पर पहुंच गई और भारतीय मईशत 3200 अरब डॉलर्स पर पहुंच गई और बांग्लादेश की मईशत 275 अरब डॉलर्स से ऊपर चली गई, हमसे आगे निकल गई, यानी भारतीय मईशत पाकिस्तानी मईशत से 12 गुना ज्यादा बड़ी हो गई, जबकि आबादी सिर्फ 7 गुना ज्यादा है। यही नहीं, बांग्लादेश जो 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ और जिसकी मईशत पाकिस्तान से बहुत पीछे थी, हम उससे आबादी में आगे निकल गए और मईशत में बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया। पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है, बांग्लादेश की आबादी 16 करोड़ है, 6 करोड़ हमसे कम, और आज बांग्लादेश की फीका सामग्री जो 30 साल पहले हमसे बहुत पीछे थी, वो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है। बांग्लादेश की फीका सामग्री 1700 डॉलर, भारत की 1900 और पाकिस्तान की 1150 डॉलर रह गई है। अब बात करेंगे पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश की बरामदाद की। ये बहुत अहम मवाजना है क्योंकि बरामदाद किसी भी मईशत की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी होती है, खसारा कम होता है, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ते हैं। 1999 में बांग्लादेश की बरामदाद पाकिस्तान से कम थी, 6 अरब डॉलर थी, पाकिस्तानी बरामदाद 8 अरब 40 करोड़ थी, जबकि भारतीय बरामदाद 36 अरब डॉलर थी, यानी पाकिस्तान से 4 गुना ज़्यादा। मगर 1999 से 2005 तक भारतीय बरामदाद 3 गुना बढ़ गई, 100 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जबकि पाकिस्तान अपनी बरामदाद दुगनी भी नहीं कर सका, 8 अरब डॉलर से 15 अरब डॉलर तक पहुंच सका, बांग्लादेश की बरामदाद 9.5 अरब डॉलर तक पहुंच गई।
2008 में पाकिस्तान की बरामदात बढ़कर 22 अरब डॉलर्स हो गई, बांग्लादेश की बरामदात 15.5 अरब डॉलर्स हो गई, मगर भारतीय बरामदात 180 अरब डॉलर्स तक पहुंच गई। यानी जनरल मुशर्रफ के दौर में बरामदात का फर्क 4 गुना से बढ़कर 9 गुना हो गया। पाकिस्तानी बरामदात 1.5 गुना बढ़ी मगर भारतीय बरामदात 5 गुना बढ़ गई। तो भारत चीन के मुकाबले में पीछे था, हम भारत के मुकाबले में बहुत पीछे रह गए और फिर बांग्लादेश भी हमसे आगे निकलने लगा। साथ ही उस जमाने में बांग्लादेश ने एक्सपोर्ट्स के लिए नई मार्केट्स ढूंढना शुरू की, वैल्यू एडिशन पर तवज्जो दी, ज्वाइंट वेंचर किए ताकि उन्हें आइंदा फायदा हो। और जनरल मुशर्रफ के दौर के बाद जब पाकिस्तान को फौरी तौर पर IMF के पास जाना पड़ा, भारत में GDP और बरामदात दोनों में तेजी से इजाफा हो रहा था, चीन के मुकाबले में कम, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा। 2013 में जब पाकिस्तान 5 साल बाद एक बार फिर से IMF प्रोग्राम में जा रहा था, पाकिस्तान की बरामदात बमुश्किल 3 अरब डॉलर्स बढ़कर 25 अरब डॉलर्स हुई, जबकि इसके मुकाबले में भारतीय बरामदात 180 अरब डॉलर से बढ़कर 313 अरब डॉलर्स तक पहुंच गई और बांग्लादेश 25 अरब डॉलर्स के साथ पाकिस्तान के बराबर पहुंच गया। फिर उसके बाद पाकिस्तानी बरामदात 25 अरब डॉलर से आगे नहीं बढ़ सके। 2018 में पाकिस्तानी बरामदात कम होकर 22 अरब डॉलर तक पहुंच गई, बांग्लादेश 40 अरब डॉलर से ऊपर चला गया, हमसे बहुत आगे निकल गया, जबकि भारतीय बरामदात 330 और चीनी बरामदात 2400 अरब डॉलर तक पहुंच गई, हम 25 अरब डॉलर से ऊपर नहीं जा पाए। इस वक्त वियतनाम की बरामदात 1999 में 11.5 अरब डॉलर्स थी, पाकिस्तान के तकरीबन बराबर, मगर 2018 में वियतनाम की बरामदात 244 अरब डॉलर्स हो गई, यानी पाकिस्तान की बरामदात से 10 गुना ज्यादा। तो पाकिस्तान पीछे जा रहा था जबकि खित्ते के मुमालिक आगे जा रहे थे और दुनिया में अपनी जगह बना रहे थे। पाकिस्तान को दहशतगर्दी और बिजली की कमी ने अपनी लपेट में ले लिया था। पाकिस्तान ने तमाम शोबों में बुरी कारकर्दगी दिखाई, GDP ग्रोथ, GDP साइज, फीका सामग्री, इन्वेस्टमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, गर्ज के हर शोबे में। आज बांग्लादेश के जिम्मेदार ज़र मुबादला के ज़खायर 34 अरब डॉलर्स हैं, भारत के 535 अरब डॉलर्स हैं, पाकिस्तान के स्टेट बैंक के पास 12.5 अरब डॉलर्स हैं, वो भी IMF और दोस्त ममालिक से लेकर रखे गए हैं। सऊदी अरब ने 1 अरब डॉलर्स वापस निकाले तो चीन से लेकर देने पड़े, और अब सऊदी अरब से वापस दरख्वास्त की गई है कि रियायत पर तेल की जो सहूलत दी गई थी उसे वापस बहाल कर दे। बरामदात पर तवज्जो जनरल मुशर्रफ के दौर में नहीं दी गई। उस वक्त भारत, चीन, बांग्लादेश और वियतनाम सब ने अपनी मईशतों में इस तरह सरमायाकारी पर जोर दिया कि उनकी मईशत आगे निकल जाए, मगर पाकिस्तान में ना बिजली, ना गैस और ना ही बरामदात की सनत में सरमायाकारी हुई और दहशतगर्दी बढ़ती चली गई, मईशत गिरती चली गई। फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में भी फोकस बरामदात से ज्यादा दरामदात पर ही रहा और दरामदात बढ़ती रही, मगर नून लीग के दौर में बिजली की कमी पूरी कर दी गई और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर कर दिया गया, मगर करंट अकाउंट खसारा इतना बढ़ा कि फिर IMF के पास जाना पड़ा। और फिर तहरीक इंसाफ के 2 साल में मुआशी तरक्की नहीं हुई, IMF के पास जाने में देर की गई, इंडस्ट्री का एतमाद बुरी तरह मुतासर हुआ और पहली दफ़ा हुआ कि मुसलसल लार्ज स्केल मैनुफैक्चरिंग की तरक्की मनफी रही, दूसरे साल में मनफी 10% रही। जो तरक्की की शरह 5% से ज़्यादा थी वो तहरीक इंसाफ के पहले साल में 1.9% हो गई, दूसरे साल में मनफी हो गई। 2 साल में टैक्स में भी कोई इजाफा नहीं हुआ, 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था मगर बेरोजगारी में इजाफा हो गया। खुद डॉक्टर हफीज पाशा के मुताबिक बेरोजगार अफराद की तादाद 1 करोड़ हो गई, गुर्बत 50% को छू रही है, मगर अब इशारे मिल रहे हैं कि 2 साल की बुरी कारकर्दगी के बाद मईशत ने जितना बुरा वक्त देखना था देख लिया, यहाँ से बेहतरी की तवक्को है। वज़ीर आज़म ने आज खुद बेहतर मुस्तकबिल की नवीद सुनाई। बात करेंगे मुआशी तज़ज़ियाकार मोहम्मद सुहेल से। मोहसिन साहब बहुत शुक्रिया। मोहसिन साहब, कहा जा सकता है कि जितना बुरा टाइम था देख लिया, अब बेस इफेक्ट की वजह से भी और वैसे अब बेहतर टाइम आएगा पाकिस्तान की मईशत में? शादी भाई, जो जून जुलाई का ट्रेंड है उससे बज़ाहिर लग रहा है कि बॉटम आउट चीज़ें हो गई हैं, मगर इसमें सबसे बड़ा कंडीशन यही है कि कोरोना के जो पाकिस्तान में बेहतरी है वायरस की वो वैसे ही रहे, कोई सेकंड वेव ना आए, तो हमें लग रहा है कि बॉटम हो गया है, क्योंकि ये बहुत शदीद गिरावट है 10% की, ना सिर्फ इस साल की है, पिछले 2 साल से यही ट्रेंड चल रहा है। पाकिस्तान की GDP 72 साल हिस्ट्री में बहुत कम ऐसे मौके हुए होंगे कि 2 साल ग्रो ही नहीं की होगी। तो जब एक चीज़ स्टैग्नेंट हो जाती है और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो लगातार गिर रही है, तो फिर हम इसको कहते हैं कि बेस इफेक्ट आ जाता है। जब बेस इतना छोटा हो जाता है कि फिर वहाँ से हर सूरत में रिकवरी होती है, और हम यही देख रहे हैं कि वायरस के बाद ना सिर्फ एक तो पेंट अप डिमांड है जिसकी वजह से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की परफॉर्मेंस जून में बेहतर रही है और जुलाई में भी बेहतर होगी, मगर इसके साथ साथ जो 2 साल की रिसेशन था उसके बाद भी एक रिकवरी एक्सपेक्टेड लग रही थी, और जो अभी रिकवरी देखी जा रही है वो हमारे तवक्कुआत से कुछ ज़्यादा बेहतर है सब। और ये रिकवरी अभी इतनी है कि जो एग्जिस्टिंग ज़ाहिर है पाकिस्तान की प्रोडक्शन है उसके हिसाब से वही पूरी हो जाए, या नई इंडस्ट्री में भी सरमायाकारी हो रही है, मुस्तकबिल इतना बेहतर नज़र आ रहा है कि नई इंडस्ट्री में सरमायाकारी हो के डिमांड इतनी बढ़ेगी?
मुझे लगता है इसमें वक्त लगेगा, ये ऐसे ऐसे अभी एनेक्डोटल एविडेंस जो हमें बता रहे हैं उसमें तो ये लग रहा है कि डिमांड बढ़ रही है, मगर एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज है, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे स्टील हो, चाहे टेक्सटाइल हो, तो अब वो वाली स्ट्रॉन्ग जीडीपी ग्रोथ या वो वाली माहौल नहीं हुआ है कि जब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। मगर अगर माहौल साजगार रहा जिसमें इंटरेस्ट रेट लो रहे, जिसमें करेंसी स्टेबल रही, जिसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही, तो हो सकता है कि एक दो साल के बाद शायद वो इतनी डिमांड बढ़ जाए कि ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूज इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट हो। मगर मुझे लगता है इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट, इसमें कुछ वक्त जरूर लगेगा। मतलब इस हुकूमत के दो सालों में फिस्कल खसारा बहुत ज्यादा रहा है, पहले साल में 8.9%, दूसरे साल में 8.1%, मगर हुकूमत खुश है कि 9.1% सोचा था, 8.1% हुआ है। अब जाहिर है उसमें जो कोरोना का पैकेज वजीर आजम ने अनाउंस किया वो पूरा यूटिलाइज नहीं हुआ। आपको लगता है कोई अच्छा साइन है जो हुकूमत इसका भी क्रेडिट ले रही है? नहीं, मेरे ख्याल में ये कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं है। ये तो जो कोविड से रिलेटेड एक्सपेंसेस थे वो कैरी फॉरवर्ड हो गए इस साल में, तो मेरे ख्याल में 9 की जगह 8.5 या 8.2 हो जाना ये कोई मेरे ख्याल में मेजर अचीवमेंट नहीं है। मगर ये कॉज ऑफ कंसर्न ज़रूर है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में 2-3 साल तक फिस्कल डेफिसिट 8% से ऊपर रह जाना ये बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद थे।